कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के मशहूर लॉयर जूलियन मैंटल से, जो बहुत ही रईस था। उसकी 7-फिगर इनकम, रहने के लिए एक आलीशान मैंशन, प्राइवेट जेट और एक बहुत ही खूबसूरत रेड फेरारी थी। मतलब एक मिडिल क्लास इंसान खुश रहने के लिए जो भी मटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में सोच सकता है वो सारी चीजें उसके पास थी। पर फिर भी उसे सेटिस्फेक्शन नहीं था। वो दिन में 18 घंटे काम करता, जिसके कारण वो अपने 50 की एज में ही 70 का दिखने लगा था। पर एक दिन अचानक ही उसे भरी कोर्ट में दिल का दौरा पड़ता है और वो कोर्ट के फर्श पर गिर जाता है। उसे आईसीयू में एडमिट किया जाता है और टाइम पर ट्रीटमेंट होने के कारण वो बच तो गया, पर डॉक्टर ने उसकी हालत देखकर उसे कहा कि उन्हें अपने स्ट्रेस से भरे काम और अपनी लाइफ में से किसी एक ही चीज को चूज करना होगा। इस बात को सुनके जूलियन गहरी सोच में पड़ जाता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी सारे केसेस जीतता आया था, लेकिन अपनी खुद की जिंदगी के केस को ही वो हार गया था। और धीरे धीरे उसे अपनी सारी गलतियां समझ आने लगी। पर एक दिन सुबह उसने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। उसने अपना आलीशान मैंशन, प्राइवेट जेट और यहाँ तक की अपनी रेड भी बेच दी। और इन सब चीजों को बेचकर वो अपनी जिंदगी के मकसद को समझने के लिए बिना किसी को बताए हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में बसे सिद्ध योगियों के गांव शिवाना में रहने के लिए चला जाता है। शिवाना शहर के धूल धुएं और शोर से दूर एक सुकून की जगह होती है, जहां चारों तरफ बस हरियाली और शांति ही शांति है। वहां पे उसकी मुलाकात होती है योगी रमन से, जिसकी उम्र 100 साल से भी अधिक होने पर भी वो युवा दिख रहे थे, मानो वो कोई जादुई विद्या जानते हो। योगी रमन जूलियन से मिले और उसका डेडिकेशन देखकर उसे शिवाना सिस्टम के 7 प्रिंसिपल सिखाने का वादा किया। और ये 7 प्रिंसिपल्स योगी रमन जूलियन को एक कहानी के माध्यम से बताते हैं। योगी रमन जूलियन को कहते हैं, इमेजिन करो कि तुम समुन्दर के नजदीक एक बहुत ही सुंदर बगीचे में बैठे हो, जो रंगीन फूलों और पेड़ों से भरा हुआ है। तभी तुम देखते हो कि वो बगीचे में एक लाइट हाउस भी है। अचानक से उस लाइट हाउस से एक भारी भरकम सुमो पहलवान बाहर निकलता है और उस सुमो पहलवान ने बस एक वायर से बंधी लाल लंगोट पहन रखी है। इधर उधर घूमते हुए उस सुमो पहलवान को एक घड़ी मिलती है, जो कि सालों पहले शायद कोई वहां भूल गया था। जब वो सुमो पहलवान उस घड़ी को उठाने झुकता है, तब वो फिसल के गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद फूलों की खुशबू से उसे होश आता है और वो संभालते हुए उठता है और अपने आसपास देखने लगता है, जहां झाड़ियों में से उसे छोटे छोटे हीरो से बना हुआ एक रास्ता दिखता है। बिना वक्त गवाए वो सुमो पहलवान उस रास्ते पर निकल जाता है और तुम्हारी आंखों से ओझल हो जाता है। इतने में योगी रमन की स्टोरी खत्म हो गई। दोस्तों, आपकी तरह जूलियन को भी ये कहानी कुछ समझ में नहीं आई, इसलिए जूलियन मोंक से कहता है, ये किस तरह का मजाक है, क्योंकि इस कहानी में कोई भी सेंस नहीं है। ये देखकर योगी रमन उनके इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बताते हैं कि ये कोई नॉर्मल स्टोरी नहीं है। इस कहानी का हर एक एलिमेंट एक इम्पोर्टेंट वर्च्यू है, जो अगर समझ लिया जाए तो इसमें लाइफ के सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। और मैं एक एक करके तुम्हें इन वर्च्यूज के बारे में बताता हूँ। और मोंक ने जूलियन को वो 7 प्रिंसिपल समझाना शुरू किए। फर्स्ट, द गार्डन। कहानी में बताया गया गार्डन रिप्रेजेंट करता है तुम्हारे माइंड को। क्या होगा अगर इस साफ बगीचे में कोई गंदगी फैला दे, शोर मचा दे, तो इस बगीचे की शांति भंग हो जाएगी, बगीचा गंदा हो जाएगा और किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक इसी तरह अगर तुम्हारा मन भी चिंताओं, बेकार के विचारों और बेमतलब की जानकारियों से भरा रहेगा, तो तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। इसीलिए एक मालिक की तरह सोचो, जो हमेशा अपने बगीचे को साफ रखता है। उसमें क्या आएगा, क्या जाएगा, कैसे उसे साफ रखा जाए, इन सब चीजों का ध्यान एक माली रखता है। तुम्हें अपने दिमाग के दरवाजे के पास एक चौकीदार की तरह खड़ा रहना है और बेवजह की न्यूज, गपशप और किसी भी तरह की बुरी चीजों को तुम्हारे मन में आने से रोकना है। सेकंड, द लाइट हाउस। योगी रमन ने जूलियन को बताया कि इस कहानी में दूसरी चीज आई थी, लाइट हाउस। लाइट हाउस का काम होता है रात के अंधेरे में समुद्र के जहाजों को रास्ता दिखाना। अगर लाइट हाउस नहीं होगा तो कोई भी जहाज अंधेरे में आगे बढ़ेगा तो वो चट्टानों से टकरा के बिखर सकता है। इसीलिए लाइट हाउस सिम्बोलाइज करता है तुम्हारे लाइफ के पर्पज को। अगर तुम्हें अपनी लाइफ का पर्पज ही पता नहीं होगा तो तुम जिंदगी में भटक जाओगे और परेशानियों की चट्टानों से बिखर जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास एक क्लियर विजन होगा, कोई पर्पज होगा, तो तुम इधर उधर नहीं भटकोगे। तुम स्पेसिफिक नॉलेज कंज्यूम करोगे, काम की बात करोगे और फोकस रह पाओगे। इसीलिए अपना पर्पस फाइंड करो और छोटे छोटे स्टेप्स लेके आगे बढ़ो। थर्ड, दी सुमो रेसलर। जूलियन, इस कहानी में तुमने एक बड़ा सा सुमो पहलवान भी देखा था, जो जापानीज फिलोसॉफी काइजन को रिप्रेजेंट करता है, जिसका मतलब होता है कभी ना रुकने वाली इम्प्रूवमेंट या प्रोग्रेस। किसी भी सुमो पहलवान को अपनी ह्यूज बॉडी को बिल्ड करने के लिए कंटिन्यूस स्पेसिफिक डाइट और प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। ठीक उसी तरह तुम भी अपने आप को हर रोज बेहतर बनाओ और अपने आप को धीरे धीरे इम्प्रूव करते रहो। हर रोज छोटे छोटे कामों को ढंग से पूरा करने से तुम अपनी जिंदगी में बहुत बड़े रिजल्ट्स अचीव कर पाओगे। पर बहुत से लोग कहेंगे कि उनके पास तो टाइम ही नहीं है कुछ सीखने का। तो योगी रमन कहते हैं कि इस तरह के बिजी लोग बिल्कुल वैसे हैं जैसे कोई इंसान गाड़ी चलाने में इतना बिजी है कि उसके पास पेट्रोल भरवाने का भी टाइम नहीं। इसलिए शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए ऐसे स्टूपिड डिसीजन मत लो और टाइम निकाल के हर रोज अपने आप को मेंटली और फिजिकली इम्प्रूव करते रहो और बुक्स पढ़ते रहो।
फोर्थ द रेड केबल। योगी रमन आगे बताते हैं कि जूलियन तुम्हें ये भी याद होगा कि वो सुमो पहलवान ने एक पतली सी लंगोट पहन रखी थी जो उसकी कमर पे एक रस्सी से बंधी हुई थी। जूलियन, रस्सी के ये पतले पतले तार अकेले कमजोर होते हैं, मगर जब इन्हें साथ में जोड़ा जाता है तो ये बहुत ही मजबूत हो जाते हैं। ठीक इसी तरह तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल भी उन छोटी छोटी चीजों से बनता है जो तुम अपनी डेली लाइफ में करते हो, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, नेचुरल फूड खाना, लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का यूज करना। शायद तुम्हें लगता होगा कि इन छोटी छोटी चीजों से क्या फर्क पड़ेगा, पर असल में ये छोटी छोटी चीजें ही लाइफ में सबसे ज्यादा मैटर करती है। तुम्हें तुरंत इन चीजों का असर नहीं दिखेगा, मगर लॉन्ग टर्म में ये छोटी छोटी चीजें ही तुम्हारी लाइफ में कई बड़े बदलाव लाएगी। तुम्हें समझना होगा कि डिसिप्लिन एक रस्सी की तरह होती है जो करेज के छोटे छोटे धागों से बनती है। फिफ्थ द गोल्डन वॉच। इन चारों एलिमेंट्स को समझने के बाद जूलियन उस मॉन्क से पूछता है कि वो गोल्डन वॉच का क्या मतलब है जिसे उठाते वक्त सुमो पहलवान गिर गया था। तब मॉन्क आगे बताते हैं कि इस कहानी का पांचवा सिद्धांत उस सोने की घड़ी से जुड़ा हुआ है। मॉन्क जूलियन को बताते हैं कि अब कोई इंसान चाहे इंडिया में रहता हो, न्यूयॉर्क में रहता हो या फिर दुबई में, उन सभी लोगों के पास पूरे दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। ना किसी के पास एक मिनट ज्यादा, ना किसी के पास एक मिनट कम, लेकिन फिर भी शायद तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पास बहुत वक्त है और तुम काम को टालते रहोगे। लेकिन एक दिन अचानक जब तुम्हें ये रियलाइज होगा कि तुम्हारे पास जो भी वक्त था वो तो निकल गया है, और तब तक तुम्हारे अंदर पड़ा काबिलियत का पहलवान मुंह के बल जमीन पर गिर गया होगा। इसलिए इस घड़ी से तुमको ये याद रखना है कि तुम्हारे पास सिर्फ आज का वक्त है, तो अपनी जिंदगी को अभी में जीना शुरू करो। काम को मत टालो, पर अपनी प्रायोरिटीज को सेट करो और एक के बाद एक काम खत्म करते जाओ। सिक्स्थ द रोज। वो मॉन्क आगे बताते हैं कि जूलियन तुम्हें कहानी में याद होगा कि वो बेहोश पड़ा सुमो फूलों की खुशबू से होश में आता है, और वो फूल काइंडनेस और सेल्फलेसनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। चीन में एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि जो लोग दूसरों को फूल देते हैं अक्सर उस हाथों में फूलों की खुशबू रह जाती है। तुम चाहे कितना भी पैसा क्यों ना कमा लो, तुम्हें वो सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिल पाएगा जो एक इंसान को दूसरे इंसान की मदद करने से मिलता है। तुम इंसानियत का एक हिस्सा हो, और हम सब लोगों का ये एक फर्ज बनता है कि हम इंसानियत को आगे बढ़ाए। दूसरों को मदद एक ऐसी चीज है जो तुम्हें अंदर से खुश कर देगी, इसलिए तुम्हें भी जितनी हो सके उतनी दूसरों की मदद करनी चाहिए, और वो भी बिना अपना कुछ फायदा सोचे। सेवेंथ द पाथ ऑफ डायमंड। योगी एंड में बताते हैं कि जूलियन क्या तुम्हें याद है कि कहानी के अंत में जब सुमो पहलवान पूरी एनर्जी के साथ उठता है तो उसे छोटे छोटे हीरो से सजा एक रास्ता दिखाई देता है। ये हीरे और कुछ नहीं बल्कि जिंदगी के वो छोटे छोटे पल हैं जो तुम्हें ढेर सारी खुशियां देते हैं। हो सकता है ये पल तुमने अपने बच्चे के साथ पार्क में बिताया एक दिन हो, या अपने पार्टनर के साथ बिताया हुआ क्वालिटी टाइम, या कुछ और। ये पल कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखो कि वो पल आपको भविष्य में तभी खुशियां दे सकते हैं जब आपने उन यादों को आज में जिया होगा। कभी भी अचीवमेंट्स के लिए अपनी खुशियों का बलिदान ना दो। खुश रहना है तो आज ही रहना सीखो। आज जो भी चीजें तुम्हारे पास है वो छोटी छोटी चीजों को चेरिश करो, क्योंकि वो छोटे छोटे पल ही तुम्हारी जिंदगी के सबसे महंगे डायमंड्स होते हैं जिसको दुनिया की कोई भी दौलत कभी रिप्लेस नहीं कर सकती। इसलिए अपने प्रेजेंट को जितना हो सके उतना खुशियों से जियो। और ऐसे ही मॉन्क ने जूलियन को शिवाना सिस्टम के 7 प्रिंसिपल्स बताए जिसे वो हजारों सालों से फॉलो करते आ रहे थे, और जूलियन भी इस कहानी के द्वारा सीखे गए इम्पोर्टेंट वर्च्यूज को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को बहुत ही जॉय और हैप्पीनेस से जीता है। तो अब इस पूरे वीडियो में से आपने जो सीखा उसकी स्क्रीनशॉट समरी बताऊं तो, फर्स्ट, आपका माइंड एक गार्डन जैसा है, जो आप बोगे वही आप पाओगे। इसलिए नेगेटिव और आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट करने वाले लोगों से दूर रहो, क्योंकि व्हाट कंज्यूम्स योर माइंड कंट्रोल्स योर लाइफ। सेकंड, जैसे रात के अंधेरे में लाइट हाउस के बिना समुंदर के जहाज चट्टानों से टकरा सकते हैं, उसी तरह आपकी लाइफ भी बिना मकसद के कहीं पर भी टकरा के बिखर सकती है। इसलिए आप भी अपनी लाइफ के पर्पस को फाइंड करो और उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहो। थर्ड, सुमो पहलवान की तरह काइजन को फॉलो करो और कभी ना रुकने वाली इम्प्रूवमेंट और प्रोग्रेस को अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लो। फोर्थ, जैसे एक रस्सी छोटे छोटे धागों से मजबूत बनती है, वैसे ही आपकी छोटी छोटी आदतों से ही आपका कैरेक्टर बिल्ड होता है। इसीलिए अपना छोटे से छोटा काम भी ढंग से और पूरी शिद्दत से करो। फिफ्थ, याद रखो, आप कितने भी काबिल क्यों ना हो, अगर आप काम को टालते ही रहोगे तो एक दिन आपके अंदर पड़ा काबिलियत का पहलवान मुंह के बल जमीन पर गिर जाएगा। इसलिए समय की कद्र करो और आप जैसे लाइफ जीना चाहते हो और जो काम करना चाहते हो वो आज से ही स्टार्ट कर दो। सिक्स्थ, उस फूलों की तरह आप भी इंसानियत का एक हिस्सा हो, तो इस एक दूसरे को हेल्प करते रहने की चेन को बरकरार रखो। सेवेंथ, वो छोटे छोटे हीरो से बना रास्ता और कुछ नहीं पर आपकी जिंदगी के वो खुशनुमा पल होते हैं जो आपने प्रेजेंट में रहकर अपनों के साथ जिए होते हैं, और वो ही आपकी सच्ची दौलत होती है जो आपको जीने का पोटेंशियल देती है।
दोस्तों, ये बेहतरीन कहानी मैंने रॉबिन शर्मा की बुक दी मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी से सीखी है। यकीन मानिए, इस किताब में से आपको इन 7 बातों से भी बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इस किताब को एक बार पूरा जरूर पढ़िएगा। धन्यवाद।